थाना लोहामंडी क्षेत्र में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के मंडल अध्यक्ष द्वारा बिजली चोरी की शिकायत पर मोहल्ले के दबंग लोगों ने मारपीट की और साथ में फायरिंग भी कर दी। वहीं जिसके बाद विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल के हस्तक्षेप के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में दो आरोपियों को मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। बताया जा रहा है कि लोहा मंडी के आलमगंज चौकी क्षेत्र निवासी वसीम खां, जो कि भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के गोपेश्वर मंडल के अध्यक्ष हैं और पुराने भाजपा कार्यकर्ता हैं, उनके द्वारा बिजली चोरी की शिकायत की गई थी, जिससे भड़के मोहल्ले के युवकों ने वसीम के पास आकर जान से मारने की धमकी दी और उनके साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। वहीं मारपीट के दौरान युवकों द्वारा सीधा फायरिंग भी किया गया। घटना में वसीम गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं मारपीट की सूचना पर पहुंची पुलिस दोनों पक्षों को थाने ले गई। वहीं सूचना पर स्थानीय विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल थाने पहुंचे, जिसके बाद पुलिस ने पीड़ित को अपनी जीप में बैठाकर इलाज के लिए अस्पताल भेजा और मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। वहीं पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं बाकी आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। वसीम कुरैशी के ऊपर जानलेवा हमला किया गया और वसीम कुरैशी आगरा मंडल अध्यक्ष हैं बीजेपी से, अल्पसंख्यक मोर्चा। उनके परिवार के ऊपर गोली पथराव, उन लोगों ने धानिया वाले इमरान ने गोली चलाई, वसीम कुरैशी के ऊपर इमरान ने गोली चलाई, बाल बाल बचाए और गोली उसके छुलती हुई बगल से निकली है। पहले उसको मारा, जानलेवा हमला किया। वसीम कुरैशी की दादी के चोट है, सोनू भाई के चोट है, वसीम के भाई का। हम चाहते हैं सर तत्काल कार्रवाई हो, दोषियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। डीजी महाराजा न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।